Dear students, in today's lecture, we are going to discuss different types of taxonomical categories, or you can call them the taxa. The taxon is the unit of classification, and here I have shown a number of categories or the taxa which have been arranged in a systematic framework, which are going to call as taxonomic hierarchy. So you can see at bottom I have shown the species, then genus, family, order, class, phylum or division, and then the highest category is kingdom. Now how we are going to define them? How we are going to place different organisms in these different types of categories or the taxa? First of all, let's define the species. This is the lowest category. आपको याद रखना है कि इस species, इस category में या इस taxon के अंदर organisms का number सबसे कम होगा इन सब के साथ comparison किया जाए तो. आप जैसे जैसे descending order में आएंगे, नीचे आएंगे, तो organisms का number हर category में धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन उनमें रखे गए ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलरिटीज बढ़ती जाएगी. तो अगर आपसे कहा जाए सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स किस कैटेगरी में हैं, बिल्कुल एक जैसे किसमें हैं, स्पीशीज में हैं, उससे थोड़ा सा कम सिमिलरिटीज शो करने वाले जीनस में, इसी तरीके से फैमिली, ऑर्डर. आप असेंडिंग वे में जाएंगे तो डिसिमिलरिटीज बढ़ती जाएंगी, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर आप नीचे की तरफ आएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, हायरार्की में, तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल डिक्रीज, लेकिन उनके बीच में जो सिमिलरिटीज है वो बढ़ती जाती है. सो सबसे पहले इस स्पीशीज टैक्सोन को हम डिफाइन करते हैं. द स्पीशीज कैन बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग ऑल द फंडामेंटल सिमिलरिटीज. बिल्कुल एक जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सारे सिमिलरिटीज होती है, जो बिल्कुल बेसिकली एक ही होते हैं, फंडामेंटल सिमिलरिटीज शेयर करते हैं, उन्हें हम स्पीशीज में रखते हैं. यू कैन ऑल्सो डिफाइन स्पीशीज एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, विच हैव यूनिक फंडामेंटल सिमिलरिटीज. ओके, तो वो स्पीशीज में हम उन सभी ऑर्गेनिजम्स को रख लेते हैं. तो स्पीशीज का आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे पैंथेरा टाइप, जिसमें यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं, दीज आर फ्रॉम द लायन फैमिली, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस. ये तीनों एग्जांपल साइंटिफिक नेम हैं उन एनिमल्स के, जिनको जैसे आप टाइप पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर का साइंटिफिक नेम है, पैंथेरा लियो लायन का साइंटिफिक नेम है, एंड पैंथेरा पार्डस इट इज साइंटिफिक नेम ऑफ लेपर्ड. एंड ये तीनों एनिमल्स की स्पीशीज अगर आप इसका स्पेसिफिक एपिथेट देखें, टाइग्रिस, लियो, पार्डस, तीनों स्पेसिफिक एपिथेट अलग है. इसका मतलब ये तीन अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, और इन तीनों में अब जो हमें देखना हो ये कि दे आर गोइंग टू शेयर ए कॉमन जीनस वर्ड. ये देखिए जेनेरिक एपिथेट जो है इसके साइंटिफिक नेम में वो कॉमन है, सभी में पैंथेरा लगाया गया है. इसका मतलब टाइगर, लायन एंड पार्डस या लेपर्ड, ये तीनों ही यूनिक स्पीशीज जो है, दे आर गोइंग टू हैव सम फीचर्स विच आर कॉमन इन देम. तो क्योंकि इनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज हैं, इसलिए इनके जीनस तीनों के एक जैसे हैं. तो जो स्पीशीज एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे तीन स्पीशीज हैं, टाइग्रिस, लियो एंड पार्डस, ऑल दिस थ्री डिफरेंट स्पीशीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दे हैव ए कॉमन जीनस. तो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन दिस नेक्स्ट कैटेगरी, जीनस इज और द जेनेरा, दे आर हैविंग ग्रुप ऑफ
रिलेटेड स्पीशीज, जैसे ये तीनों स्पीशीज रिलेटेड है तो उन्हें एक जीनस में रख दिया गया, और उस जीनस का नाम क्या है, पैंथरा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है, जीनस के बाद आता है फैमिली। तो फैमिली में हम रखेंगे, फैमिली इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, जिन जीनस के, जिन जेनरा के आपस में रिलेट जो फीचर्स हैं वो कॉमन होते हैं, कुछ सिमिलरिटीज अगर कोई जीनस में हो तो उन्हें हम कॉमन फैमिली में रख देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पैंथरा मतलब ये जो लॉयन और टाइगर और लेपर्ड है, क्योंकि ये पैंथरा जीनस में आ गए हैं, लेकिन इस पैंथरा जीनस के साथ फेलिस नाम के जीनस के ऑर्गेनिजम्स भी सिमिलरिटी शो करते हैं। फेलिस में कैट्स आ जाती हैं। ओके, ये लॉयन फैमिली के मेंबर्स हैं, चलो ये कैट हैं, फेलिस आर द कैट कैट मेंबर्स। तो फेलिस एंड पैंथरा आपस में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो शेयर करते हैं। फेलिस भी एक जीनस का नाम है, पैंथरा भी जीनस है, तो क्योंकि पैंथरा और फेलिस दोनों आपस में रिलेटेड हैं तो उन्हें हमने एक कॉमन फैमिली में रख दिया, एंड दैट फैमिली इज नोन एज फेलिडी। इसका मतलब जितनी भी कैट्स हैं और जितने भी लॉयन टाइगर लेपर्ड्स इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे किस फैमिली में है, एक कॉमन फैमिली में, जिसका नाम है फेलिडी, कैट फैमिली। क्लियर, इनको हम बिग कैट्स कहते हैं, और जो हमने और कॉमन जो हमारे आसपास देखे हैं वो स्मॉल कैट्स हो जाते हैं, लेकिन वो सारे के सारे एक फेलिडी फैमिली के अंदर प्लेस किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली से आगे ऑर्डर। तो ऑर्डर में द रिलेटेड फैमिलीज, वो फैमिलीज जो आपस में कॉमन फीचर्स शेयर करती हैं, उन्हें हमने फिर एक बड़ी कैटेगरीज में कैटेगरी में रखा या टैक्सोन में प्लेस किया, दैट इज ऑर्डर। तो ऑर्डर इज हैविंग ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। ओके, सो कैन वी हैव सम एग्जांपल हियर, लाइक मैंने कहा फैमिली इज द कैट फैमिली, इस फैमिली के साथ कैनिडी जिसमें डॉग्स आ जाते हैं, ये कैट फैमिली है फैलिडी, एंड कैनिडी इज द डॉग कैटेगरी, इसमें डॉग्स आते हैं। तो फैलिडी एंड कैनिडी बोथ आर शेयरिंग सम कॉमन फीचर्स, इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, उसके बेसिस पे हमने इनको एक कॉमन ऑर्डर में रख दिया, एक कॉमन ग्रुप में रख दिया, वो है कार्निवोरा। ओके, तो कार्निवोरा हैज, जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल में मैंने कहा कार्निवोरा के अंदर कोई दो फैमिलीज बताइए जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कुछ फीचर्स शेयर करती हैं, तो हमने लिखा फैलिडी एंड कैनिडी। ओके, लाइकवाइज कम टू द क्लास, तो क्लास में जैसे जो रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे, द ऑर्डर्स व्हिच आर शेयरिंग सम कॉमन फीचर्स, दे आर प्लेस्ड इन ए क्लास। फॉर एग्जाम्पल हेयर यू नो दैट कार्निवोरा जो कि फैलिडी और कैनिडी डॉग और कैट के कैट मेंबर्स को कार्निवोरा में हम रखते हैं, लेकिन इस कार्निवोरा इस ऑर्डर के साथ प्राइमेटा जिसमें हम भी आ जाते हैं, हम प्राइमेटा इज द ऑर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आल्सो, तो प्राइमेटा एंड कार्निवोरा दे आर हैविंग सम कॉमन फीचर्स, दीज टू ऑर्डर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, कार्निवोरा एंड प्राइमेटा, and these are placed in a common class known as mammalia, क्योंकि ये दोनों order आपस में related है, इसलिए इन्हें एक common box में, category में या taxon में place किया गया है, उस taxon का नाम है class और mammalia class। okay, now common classes, the classes which are related to each other, which have same features in some of the features which are common in them, the related classes are placed in phylum, like mammalia class, it is sharing some features with apes, जिसमें birds आ जाते हैं, amphibian, reptiles, such organ or the species, the apes, mammalia, they are placed in a common phylum Chordata. Okay? Now, the common features sharing phyla, phyla is the plural of phylum, common features sharing for
The related phyla, they are placed in the biggest category, the highest category known as kingdom. So kingdom is having a number of phyla, like here I have shown the Chordata. Isme Chordata aa gaya. Chordata ke sath sath Echinodermata meta hai, Porifera hai, Cylindrata hai. Ye sab cheeze aap baad mein padhoge, lekin aapko ye हम कर रहे हैं क्लियर. देखिए यहाँ पर जब आप सिर्फ स्पीशीज की बात करती है तो स्पीशीज में आप ये जीनस रहने दीजिए, सिर्फ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए टाइटिनस लियोपार्डस. ना सिर्फ आप एक एनिमल की बात कर रहे हो तो किसी प्लांट की बात कर रहे हो तो या तो वो टाइगर है या वो लॉयन है या लेपर्ड है. लेकिन जब बात आती है जीनस की तो हम क्या देखते हैं कि टाइगर लॉयन एंड लेपर्ड तीनों की तीनों कहाँ पे आ गए, एक कॉमन जीनस में आ गए पैंथरा. तो क्या नाम क्या स्पीशीज में जितने स्पीशीज में कितने ऑर्गेनिज्म को डाला गया था, एक स्पीशीज में एक ही टाइप का एनिमल आता है या ऑर्गेनिज्म आता है. लेकिन जीनस में क्या हुआ, जीनस में हमने वो ऑर्गेनिजम्स जो आपस में वो स्पीशीज जो आपस में एक दूसरे से थोड़ा सा सिमिलरिटी शो करती हैं उन्हें हमने कॉमन जीनस में डाल दिया. तो जीनस में ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ रहा है. एक जीनस है पैंथरा, पैंथरा में कौन आ गए तीनों, उसमें टाइग्रिस भी आ गया, लियो भी आ गया और पार्डस, ये तीनों स्पीशीज आ गई इसमें. तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इंक्रीजिंग. ऐसे ही जैसे ही आप फैमिली में जाओगे तो इसमें पैंथरा के तीनों ऑर्गेनिजम्स भी रख सकते हो, फिर इसमें मतलब और कैट्स भी इसके अंदर आ जाती हैं. मींस व्हाट आई एम गोइंग टू कन्वे यू, जैसे जैसे आप इस असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ जाते हो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इंक्रीजिंग बट द सिमिलरिटीज बिटवीन देम इज डिक्रीजिंग. उसमें फीचर्स हैं सभी के कैटेगरी, क्योंकि हमने उनको एक कॉमन कैटेगरी दी है, इसका मतलब वो फीचर्स शेयर तो कर रहे हैं लेकिन असेंडिंग ऑर्डर पे जाने पर उनके बीच में डिफरेंसेस बढ़ते जाते हैं. जितने ऑर्गेनिज्म हमने रखे हैं ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ता जाता है और आप धीरे धीरे जैसे जैसे यहां तक पहुंचते हैं तो यू विल गेट ए हाई नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऐसे आएंगे तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आने के बाद ऑर्गेनिजम्स का नंबर धीरे धीरे कम होता जाता है, मतलब आप उनकी एक तरीके से सॉर्टिंग करते जाते हो, सिमिलरिटीज बढ़ती जाती है, ऑर्गेनिजम्स का नंबर घटता जाता है. ये मैंने जो एग्जाम्पल दिए हैं ये एनिमल्स से जुड़े हुए दिए हैं, आप प्लांट से जुड़े हुए भी एग्जाम्पल आप किसी भी ऑर्गेनिज्म कोई भी जो है ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, चाहे फंगस है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, आप किन्हीं का भी एग्जाम्पल अपनी चॉइस का यहाँ पे ले सकते हैं. तो आपको अगर ये डिफाइन करना है तो आपसे यही कहेंगे स्पीशीज इज द ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द ऑल द फंडामेंटल सिमिलरिटीज. रिलेटेड स्पीशीज आर प्लेस्ड इन जीनस, रिलेटेड जीनस दे आर शेयरिंग द सेम फैमिली, रिलेटेड फैमिलीज आर शेयरिंग द सेम ऑर्डर, रिलेटेड ऑर्डर्स आर शेयरिंग द सेम क्लासेस और द क्लास रिलेटेड क्लासेस आर प्लेस्ड इन कॉमन फाइला एंड द कॉमन फाइला दे आर गोइंग टू बी प्लेस्ड इन ए किंगडम द हाईएस्ट कैटेगरी. दिस इज हाईएस्ट एंड बिगेस्ट. हाईएस्ट व्हाई, बिकॉज इट इज ऑन द टॉप. व्हाई इट इज द बिगेस्ट, बिकॉज इट इज हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. And when we move back here at the bottom, this is the category having the lowest number of organisms but having sharing the similarities, highest similarities. Okay, so I hope this taxonomical hierarchy and the different taxa in this framework is clear to you.